डिजिटल शिक्षा अभियान को झारखंड के सभी 24 जिलों में एक मुहिम के तौर पर डिजिटल पंचायत पाठशाला सभी पंचायतों में खोले जाएंगे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान बोलते हुए डिजिटल पंचायत पाठशाला के संस्थापक सौरभ कुमार ने कहा कि ग्रामीण भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण नौजवानों को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके सामाजिक सरोकार और हर सवालों का सटीक जवाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर लगभग निशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड को हम पूरे देश का डिजिटल पंचायत पाठशाला के तौर पर एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के समाज का डिजिटलीकरण करके एक नया आयाम स्थापित किया ही जाएगा, साथ ही ग्रामीण तबकों के प्रतिभाओं की पहचान करके देश के स्तर पर ग्रामीण नौजवानों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। कार्यशाला में बोलते हुए श्रम एवं नियोजन विभाग के सहायक निदेशक निशिकांत मिश्रा ने कहा कि यह मुहिम अपने आप में न सिर्फ नायाब है बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं को जिम्मेदारी के साथ डिजिटल माध्यमों से जोड़कर उनके समग्र विकास का यह पाठशाला नया रास्ता खोल सकता है। डिजिटल पंचायत पाठशाला एक सोच है और एजुकेशन मॉल के रूप में हर पंचायत पे खुलने के लिए तैयार है। डिजिटल पंचायत पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत लेवल पे जो ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके पास साधन और संसाधन की कमी रहती है, उन लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, यानी ये कह लें कि भारतवर्ष में जितने भी अच्छे सुप्रसिद्ध गुणी अनुभवी शिक्षक हैं उनको सीधे सीधे ग्रामीण लेवल पे वर्चुअली और डिजिटली माध्यम से छात्र छात्राओं तक जोड़ने का एक अनोखा प्रयास है। यह एक ऐसा मुहिम है जिसमें हम लगभग 2400 जिला में अपना एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने जा रहे हैं और हर पंचायत पे हमारा जो कोऑर्डिनेटर होगा वो इसका अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा और डिजिटली माध्यम से हम इनको जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि किसी भी सोशल मीडिया के तहत, आप मीडिया बंधुओं के तहत ये संदेश पहुंचे कि आपके ग्राम में, आपके पंचायत में एक ऐसा डिजिटल पंचायत पाठशाला खुलने जा रहा है जिसके अंतर्गत आप अपने 2400 घंटा में जब खाली वक्त मिले तो आप वहाँ आकर वहाँ पे टीवी के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, विजुअलाइज के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें अभी हम लोग जो ई लर्निंग ऐप बच्चों को दे रहे हैं मोबाइल ऐप के जरिए, वो बिल्कुल निःशुल्क है, जिसकी कीमत बाजारों में आज लाखों रुपया है। उसकी कीमत हम लोगों ने कुछ नहीं नगण्य रखी है, ताकि बच्चों तक ये पहुँचे। लेकिन जो बच्चे पाठशाला आएंगे जहाँ पे टीवी, बिजली और हमारे कोऑर्डिनेटर संस्थापक संचालक चलाएंगे, उनके लिए अनुमोदन राशि 200 रुपया प्रति माह किसी भी विशेष पाठ्यक्रम के लिए रहेगा, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हों, चाहे कक्षा एक से पहली की तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी भी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा। अभी आप लोग भी सामने हैं और मैं भी इन लोगों के साथ में ही हूँ, तो मुझे जब बताया गया कि हम लोग कुछ इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं जिससे कि बच्चों को पंचायत लेवल तक हम उनको लाभ दे सकें, तो वर्चुअली मैं भी इसको समझने ही आया हूँ कि हम, क्योंकि मैं सहायक निदेशक और प्रादेशिक नियोजनालय रांची हूँ और मुझे कहा गया कि सर आप इसमें शामिल होंगे, तो मैं बच्चों को क्या दे पाऊँगा, इससे क्या लाभ हो पाएगा, मैं भी इसको समझने ही एक्चुअली मैं आया हूँ। इसलिए मैंने भी समय दिया कि मैं समझ सकूँ और ताकि मैं सरकार स्तर पर भी इस पर चर्चा कर सकूँ कि इससे मैं बच्चों को क्या लाभ दे पाऊँगा। सरकार का चूंकि मैं नियोजनालय से रिलेट करता हूं, तो नियोजनालय का काम है बच्चों को स्किल करना, स्किल चूंकि हम लोगों का जो विभाग है वो स्किल ऑलरेडी सरकार स्किलिंग कर रही है बच्चों का, तो प्राइवेट सेक्टर्स पे ये कितना कर पा रहे हैं, और जैसे हमारे जो कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, मैंने जो अप टू डेट अप टू मार्क नहीं है, मान लीजिए मैट्रिक कर गए हैं, इंटर कर गए हैं, तो जैसे इन्होंने कहा कि हम उस तरह का मॉड्यूल्स दे रहे हैं, तो बच्चों को मेरा काम है बताना, गाइडेंस देना, एक प्रॉपर गाइडेंस के तौर पर अगर इस तरह का इनके पास है और मैं दे सका, अगर मैं खुद संतुष्ट होऊंगा, मैं खुद देखूंगा अभी, क्योंकि आपके साथ मैं भी अभी जस्ट मैं सुन ही रहा हूं, अगर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि भाई इसमें आप कम पैसे में, तो अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है तो आप अगर मार्केट में कर रहे हो 5000 में, अगर ये कार्यक्रम 200 रुपये में दे रहे हैं तो बेटर है कि हम उनको अगर ये बता सकें, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं इसमें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।